वेलकम टू माई चैनल दोस्तों, ये आपके सामने डी जी आई मिनी 2 का सेटअप है। ये डी जी आई मिनी एयरक्राफ्ट है और इसके साथ साइड में डी जी आई मिनी का कंट्रोलर भी है और आपको दिखेगा यहाँ पर डी जी आई मिनी फ्लाई मोर कॉम्बो। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप ऑल्टीट्यूड लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं अपने डी जी आई मिनी का 15 मीटर से लेके 120 मीटर तक, क्योंकि अभी जो रिस्ट्रिक्शन इंडिया में है जो सेट हुआ है वो 120 मीटर्स का है। आप उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। अगर आपको जाना है तो आप ड्रोन हैक करके जा सकते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट। आप जो रूल्स हैं वो फॉलो कीजिए। आज मैं आपको दिखाता हूँ आप 15 मीटर से 120 मीटर कैसे चेंज कर सकते हैं इसको। स्टे ट्यून्ड, मैं आपको अपने फ़ोन के स्क्रीन पे ले जाता हूँ। ये आपके सामने डी जी आई मिनी ऐप का स्क्रीन है। यहाँ पर हमने एयरक्राफ्ट ऑन कर दिया और रिमोट कंट्रोल ऑन कर दिया। अभी विद इन 15 सेकेंड्स ये कनेक्ट हो गया। देखिए आपको बैटरी का लेवल दिख रहा है, उसका मतलब रिमोट कंट्रोल ऑन हो गया। अभी ये कनेक्ट हो रहा है एयरक्राफ्ट के साथ। दोस्तों ये देखिए अपना ड्रोन कनेक्ट हो गया। अभी गो फ्लाई पे क्लिक करेंगे आप तो आप लाइव मोड में चले जाएंगे। ये लाइव मोड में आप अपना सराउंडिंग्स ड्रोन का देख सकते हैं विद द कैमरा। ऊपर आपको 3 डॉट्स दिख रहा है साइड में, राइट साइड में, ऊपर उस पर क्लिक कीजिए। सेफ्टी में आपको ऑल्टीट्यूड लिमिट दिखेगा। यहाँ पे मैक्स लिमिट 15 मीटर है। आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे, उसमें कोई लिमिट नहीं होता। आप अप टू 10 किलोमीटर जा सकते हैं, लेकिन आपका रिटर्न टू होम भी लिमिट होगा 15 पे, बिकॉज आपका ड्रोन का ऑल्टीट्यूड 15 मीटर पे लिमिट हुआ है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये रिमूव कैसे करना है। आप वापस से 3 डॉट्स पर क्लिक कर लीजिए ऊपर और आप अबाउट सेक्शन में जाइए। यहाँ पर अबाउट में नीचे जाने के बाद आपको क्लियर ऑल डेटा दिखेगा। क्लियर ऑल डेटा के बाद पे क्लिक कीजिए। आपका दूसरा ऑप्शन भी है यहाँ पे, जो रीसेट सेटिंग्स है। आप दोनों में से किसी भी पे क्लिक कर सकते हैं, आपका ड्रोन जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा यहाँ पे और आपको अपना ड्रोन रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अभी मैं अपना ड्रोन रीस्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे नीचे आपको क्लिक करना है और वापस से क्लिक करना है। कभी कभार ड्रोन ड्रामा भी कर देता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज़। आपको क्लिक करना है और फिर दबा के रखना है। ये लाइट मूव करेगी और मतलब आपका ड्रोन ऑन हो गया। नाउ वी आर रेडी, बैक टू द मेन्यू। मेन्यू में जाने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है यहाँ पे ताकि आपका ड्रोन कनेक्ट हो जाए वापस से। ये देखिए दोस्तों, हमारा ड्रोन वापस से कनेक्ट हो गया। अभी हम गो फ्लाई में जाएंगे। गो फ्लाई में जाने के बाद हम लाइव व्यू में आ गए। यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और अभी अपने को सेफ्टी में 120 मीटर दिख रहा है, जो पहले 15 मीटर था। अभी आप यहां से रिटर्न टू होम भी कंट्रोल कर सकते हैं। रिटर्न टू होम आप 15 मीटर से लेके 120 मीटर तक रख सकते हैं अपने ड्रोन पे। तो देखा आपने दोस्तों कितना सिंपल है, जिसको लोगों ने कॉम्प्लिकेट करके रखा है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आया तो एक थम्स अप भी दे दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपका ड्रोन फ्लाई करने में और एंजॉय करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।